हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा हूँ सिप्रा। मैं आज चारकोल पील ऑफ मास्क अप्लाई करके दिखा रही हूँ, जो है नेचर ऑर्गेनिक एक्टिव चारकोल पील ऑफ मास्क। इसका प्राइस है 125 रुपीस। इसमें आपको 60 ml प्रोडक्ट मिलता है इसमें। तो चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जाएगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने जो मेकअप की है इसे सबसे पहले मैं रिमूव कर लूँगी। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल और एक कॉटन पैड के हेल्प से इसे रिमूव करूँगी मेकअप को। अगर डायरेक्ट फेस वॉश करते हैं तो मेकअप पूरा रिमूव नहीं होता है, और क्या काजल उजल जो अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा बिखर जाता है। इसी वजह से पहले मेकअप रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब कोकोनट ऑयल या फिर मेकअप रिमूवर से रिमूव कर सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा निकला है, कैसे निकल गया। अगर आप फेस वॉश करते तो ऐसे नहीं निकलता और बिखर जाता आपका आईज पे। मैं सजेस्ट करूँगी आपको जो पहले आप फेस को ऐसे क्लीन करें, उसके बाद ही आप फेस वॉश करें। इसी के हेल्प से पूरा फेस का मेकअप रिमूव करेंगे। पूरा फेस के मेकअप रिमूव करने के बाद फेस वॉश करेंगे फेस वॉश के हेल्प से। मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिए हैं। अब इसे अप्लाई करेंगे, फिंगर के ऊपर लेकर ही अप्लाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेकर, एक ही बार ज़्यादा लेकर नहीं अप्लाई करेंगे। ये पूरा ब्लैक नहीं है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर का है, ये हल्का हल्का ब्लैक है, ज़्यादा ब्लैक नहीं है। पूरा फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे। ध्यान रखें इसे बाल पे और आईब्रोज पे ना अप्लाई करें। मेरा थोड़ा सा गलती हो गया था, थोड़ा सा अप्लाई हो गया, लग गया था मतलब। अच्छे से मैंने पूरा फेस पे अप्लाई कर लिए हैं। अब इसे 15-20 मिनट ड्राई होने देंगे फेस पे अच्छे से। अब अच्छा से मेरा फेस ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, शायद थोड़ा सा ज़्यादा थिक अप्लाई कर लिए थे इसी वजह से। अब इसे नीचे की ओर, नीचे से ही पील ऑफ करेंगे इसे, थोड़ा सा स्किन को खींचते हुए ही पील ऑफ करेंगे। इसे निकालने में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, देख ही सकते कितना ज्यादा पेन हो रहा था। आँख में आंसू आ गया था, सॉरी, निकल नहीं रहा था। मन कर रहा था जाके इसे वॉश कर ले, बस धीरे धीरे जैसे तैसे ऊपर नीचे जैसे तैसे करके इसे रिमूव किए, उसके बाद जाके वॉश किए। और थोड़ा सा जल भी रहा था फेस, लग रहा था थोड़ा सा क्या बोले, चिली पाउडर वाउडर अप्लाई कर लिए फेस पे। देख ही सकते कितना ज़्यादा पेन हो रहा था, क्या बोले, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, निकल नहीं था। थोड़ा सा बाल पे भी ऊपर में लग गया था मेरा, जब निकल नहीं जाता। और इसे अप्लाई करने से पहले ही फेशियल हेयर को रिमूव करें, उसके बाद ही अप्लाई करें, वरना और ज़्यादा पेन होगा। देख ही सकते इसको निकाल रहे तो थोड़ा सा शाइन भी कर रहा मेरा फेस। इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मन कर रहा रो दें, बस आंसू का कंट्रोल करके रखिए। बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, जलन हो रहा था। मन में सोच रहे थे शायद ये मुझे महंगा पड़ गया बहुत ही ज़्यादा, फिर देखे नहीं, थोड़ा सा ग्लो आया है, शाइन आ गया, पहले से शाइन आ गया है, ब्राइट हो गई स्किन, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। नहीं, थोड़ा सा पेन हुआ, लेकिन स्किन जो है थोड़ा पहले से फेयर हो गया, अच्छा लग रहा देखने में, तो सोचे ठीक ही है। जैसे कि हर कोई बोलता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसी तरह मेरा थोड़ा सा पेन हुआ तो थोड़ा सा स्किन लाइट और ब्राइट हो गया है, इसी वजह से सोचे ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा पहने सही, बस स्किन तो थोड़ा सा लाइट हो गया ना। इसे निकालने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, 10 मिनट की तरह लग गया था इसे निकालने में, धीरे धीरे करके ही निकाल रहे थे। थोड़ा सा पेन हो रहा था इसी वजह से धीरे धीरे निकाल रहे थे, जलन भी हो रहा था थोड़ा सा, पर थोड़ा मेरा स्किन देखकर मुझे थोड़ा खुश हो रहा था, देख ही सकते हैं आँख में आंसू है, फिर भी हंस भी रहे हैं,
खुशी भी हो रहा, थोड़ा सा लाइट भी करा। इस साइड ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मिरर में भी देख रहे थे मैं अपना स्किन जो थोड़ा सा लाइट कर रहा था। मतलब स्किन पे कुछ भी होता है तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, खुशी खुशी महसूस होता है, ऐसी अच्छे से मन करता है बार बार मिरर देखे। अभी देख रहे थे, निकाल भी रहे थे, थोड़ा सा आँख में आंसू भी आ रहा था, आंसू भी कंट्रोल भी कर रहे थे। इसे रिमूव करने के बाद थोड़ा सा नोज़ उस पर थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, उसे भी निकाल लेंगे और जितना बचेगा उसे नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे तो पूरा साफ हो जाएगा। देख सकते थोड़ा थोड़ा कितना फनी भी लग रहा है देखने में, कहीं कहीं पर लगा हुआ है, थोड़ा सा रब करके नहीं निकल रहा था तो थोड़ा रब किए। पूरा रिमूव करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, हाँ अब निकल गया, थोड़ा सा खुश है, देख ही सकते हैं मेरा फेस जो है खुशी खुशी है। अब इसे जो है नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे, जितना भी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ था मैं नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिए हैं। मैं कि नॉर्मल वाटर से इसे वॉश करें, फेस वॉश से नहीं वॉश करें इसे। इसे अप्लाई करने के बाद फेस से थोड़ा सा ग्लो आ जाता है और स्किन जो है पहले से ब्राइट हो जाता है। इसे आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।